दादरी रेलवे स्टेशन के पास एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाकर जेसीबी की सहायता से मालगाड़ी में रोड़ियां क्रेशर भरने के दौरान उठ रही धूल पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने कार्य रुकवाकर रेलवे अधिकारियों व ठेकेदार को नोटिस जारी कर 1,00,000 से अधिक का जुर्माना लगाया है। हरियाणा के अन्य हिस्सों की तरह दादरी जिले में भी लगातार बढ़ते स्मॉग के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों पर स्थानीय जिला प्रशासन ने क्षेत्र के क्रेशरों, ईंट निर्माण सामग्री खुले में डालने, निर्माण कार्य सहित होटलों, ढाबों में चलने वाली भट्टियों पर भी रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। रोक का उद्देश्य इनसे उठने वाला धुआं, धूल को रोकना था ताकि स्मॉग कुछ हद तक कम हो सके। इसके अलावा पॉल्यूशन विभाग द्वारा लगातार क्षेत्र में कृत्रिम बारिश व पानी का छिड़काव भी किया जा रहा था। जिला प्रशासन जहां पॉल्यूशन कम करने के लिए लगातार कार्य कर रहा था, इस मामले को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान एसडीएम ओम प्रकाश देवराला ने मालगाड़ी लोडिंग कार्य को रुकवाते हुए रेलवे विभाग और ठेकेदार को नोटिस जारी कर 1,00,000 से अधिक का जुर्माना लगाया। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, आजाद टीवी न्यूज। हाँ, यहाँ पे काफ़ी मटेरियल रेलवे ने डलवाया हुआ है किसी फर्म के माध्यम से, इसको हमने चेक किया है और ये ट्रेन जो है इसमें ये मटेरियल डाला जा रहा था जिससे पॉल्यूशन फैलता है और एनजीटी के आदेशों के अवहेलना, इसके तहत हम इनको नोटिस जारी कर रहे हैं और इनको फाइन लगाया जाएगा और स्टेशन मास्टर से बात कर ली, वो अभी आने वाला है, उसको भी नोटिस जारी कर रहे हैं।